पूरी दुनिया इंसान की बहुत बड़ी बदनसीबी है कि जिस कोरोना की बीमारी से पूरी दुनिया ग्रसित है और इसका तदारुक यानी इसका इलाज अभी तक जितने हाई अपने आप को पावर कंट्री कहते हैं, अमेरिका है, फ्रांस है, रूस है, चाइना खुद है, वो अभी तक ट्रेस आउट नहीं कर सके हैं। इसलिए हमारा अव्वलिन फ़र्ज़ ये बनता है कि जिस तरह से 1857 का गदर जिस वक्त हुआ था और आज़ादी की लड़ाई जब हमने लड़ी थी अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, उसके अंदर हमने जो एकजुटता का जो सबूत दिया था, वो सबूत देने की आज बेहद ज़रूरत महसूस हो रही है। और उसी ज़रूरत को, उसी बुनियाद को, उसी एकता को हमें कायम रखते हुए हमें आगे की लड़ाई इस कोरोना के ख़िलाफ़ लड़नी है, ताकि इसके ऊपर हम विजय हासिल कर सकें और इसको यहाँ से हिंदुस्तान से भगा सकें। दूसरी चीज़ ये कि जहाँ तक तबलीगी जमात का सवाल है, तो इन्होंने जो काम किया है उसकी जितनी सख्त से सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए वो कम है। फिर भी मैं मरकज़ वालों से ये अपील करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ख़त्ते के अंदर जहाँ जहाँ इनके मरकज़ कायम हैं, वहाँ पर जो लोग अभी इस इज्तिमा में हाजिर हुए थे मरकज़ के ऊपर और यहाँ से जब रवानगी इन्होंने ली, तो जो अपने साथ में ये कोरिया कोरोना के जर्म्स लेके गए हैं, उससे अपने अपने इलाकों के अंदर जिस बीमारी को ये फैलाते हैं, वो उसका ज़िम्मेदार कौन? लिहाजा जो मरकज़ हैं उन मरकज़ों के अंदर जो ये छुप गए हैं, उससे इनको बाहर आना चाहिए। अपने आप को गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी इख्तियार की है उसको बुनियाद बना करके अपने आप को डॉक्टरों के पास में जाना चाहिए। अपने आप को ये सबूत देना चाहिए कि भाई हम वहाँ मौजूद थे, हमारा चेकिंग कीजिए, हमारे अंदर किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं है, हमारे को ये कोरोना जो है इसके जर्म्स तो हमारे जिस्म के अंदर नहीं है, जिससे हम अपने इलाकों में जा कर के कहीं वापस खुदा ना खास्ता फैल जाए, इसका तदारुक हमें बताइए और हमारा इलाज कीजिए। हम हाथ जोड़ के, मैं बहसीत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की औलाद होने के और उनका जानशीन, उनका सजानशीन होने के नाते, मैं आपसे पुरजोर अल्फाज में ये अपील करना चाहूँगा कि मरकज़ वाले जो छुप गए हैं हिंदुस्तान के ख़त्ते के अंदर, जहाँ जहाँ मरकज़ की मसाजिदें हैं, उनके साथ साथ दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ इनके मरकज़ कायम हैं, वहाँ जो छुप गए हैं वो मंजर आम पर आएँ और अपने आप को बाहर ला करके हुकूमत के खिलाफ हुकूमत के साथ दें, और जो हुकूमत ने पॉलिसी इख्तियार की है उसकी मुखालफत ना करके बल्कि उसके तदारुक के लिए उनके ताउन करें उनके, और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस मिशन को कामयाब बनाने के अंदर अपना सहयोग प्रदान करें। तो जवान साहब, जिस तरह से देश भर में लॉकडाउन किया गया है, उसके बाद भी इस तरह की तबलीगी जमात का कार्यक्रम होता है, तो क्या कहना चाहेंगे उसको? उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लॉ कहता है, उसके हिसाब से अगर उनके खिलाफ कानून है और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ज़रूरी है कानून के हिसाब से, तो कार्रवाई करें, हमें किसी किस्म का कोई वो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, वो जैसा करें और कोर्ट के अंदर अल्लाह ताला हमें कामयाबी अदा करें।